Let's assume this to be 2. एक ये कार है और एक ये कार है, दोनों सेम मैन्युफैक्चरर की है और दोनों सेम मॉडल है, बट ये कार के ऊपर ना एक लाल बत्ती लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लाल बत्ती। तो आर दीज टू कार्स विल दे गेट द सेम ट्रीटमेंट और will this car will have some VIP status? Yes, no, maybe. तो ये है एक normal civilian की car, normal citizen की car है ये। एक मिनट रुको। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक normal civilian की car है। या सिटीजन की बोलेंगे इसको, और ये कार जो है वो है प्राइम मिनिस्टर की कार, जबकि दोनों का मैन्युफैक्चरर भी सेम है, दोनों का मॉडल भी सेम है। यू नो दे यूज दिस एम्बेसडर, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव इफ यू ऑल नो अबाउट दिस ब्रांड। यस सर, यू ऑल नो दिस एम्बेसडर मालूम है? ओके, हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ एम्बेसडर? हिंदुस्तान, राइट? HM की है, हिंदुस्तान मोटर्स की। गुड, नाइस। तो ये दोनों कार्स है, तो दोनों कारों को रोड पे सेम प्रिविलेज मिलेगा कि ये कार कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज एंजॉय करेगी? तो इसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेंगे, राइट? Yes, वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्या रहेंगे भाई? नो सिग्नल, ओके, मतलब नो टोल। वेरी गुड, क्या बात है, एक्सीलेंट। तो इसको टोल नहीं भरना पड़ेगा, इसको टोल भरना पड़ेगा। वेरी गुड, चलो एक बात तो ये हमने मान ली, चलो वेरी गुड। पहला डिफरेंस ये है कि इसको टोल नहीं है, इसको टोल है। और क्या क्या है सर? पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल तो दोनों में भरना पड़ेगा ना भाई, फ्री में पेट्रोल, पेट्रोल को पेट्रोल फ्री मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। चलो चलो ठीक है, पेट्रोल उसको सब्सिडाइज भी मिलेगा, सब्सिडाइज रेट, थोड़ा सा उसको डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा सब्सिडी। इसको नहीं है, इसको जो जो मार्केट मार्केट रेट से लेना पड़ेगा। ओके, और क्या क्या? नो चेकिंग। ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी हॉल्ट होती है क्या? हैव यू एवर सीन अ प्राइम मिनिस्टर्स कार स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल? नो सर, उसको कोई उसका कैनवॉय जो है वो पूरा का पूरा एक साथ जाता है, तो नो हॉल्टिंग। यस सर, नो हॉल्टिंग। हाउ डू स्पेल हॉल्ट? तो नो हॉल्टिंग एट ट्रैफिक सिग्नल्स। और इसको सिविलियन के कार को फॉलो ट्रैफिक रूल्स करना पड़ता है। ओके, और क्या क्या है? अगर मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी है, समझो मैं सिटीजन हूं, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, तो मैं अपनी कार को कहां तक लेके जा सकता हूं एयरपोर्ट पे? पार्किंग तक। ये तो एयरपोर्ट पे एक्सेस ओनली टिल पार्किंग। एंड हैव यू सीन द प्राइम मिनिस्टर्स? वो लोग क्या करते हैं, रनवे तक लेके आते कार को, रनवे तक, और डायरेक्टली कार से उतरते और डायरेक्टली प्लेन में चढ़ते। देखा तुम लोगों ने कभी ऐसा? हाँ सर। तो फोर क्या है? Can take car till runway. और क्या क्या है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो ऐसे ही समझ लो आप, जो जो हमारा कंस्ट्रक्शन, हाँ,
ओके सिक्योरिटी, ओके ठीक है, प्रोटेक्शन उसके आगे पीछे सिक्योरिटी चलेगी, जेड सिक्योरिटी और ओके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, सॉरी ओके ओके गॉट इट गॉट, यहाँ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नॉट। तो ऐसे ही ना भाई, जैसे ये दो कार सेम मैन्युफैक्चरर सेम मॉडल की है बट प्रिविलेज अलग अलग है, वैसे भी वैसे ही सेम टू सेम लॉजिक है नॉर्मल फंक्शन के, कि एक नॉर्मल फंक्शन होता है और एक होता है कंस्ट्रक्टर। क्या होता है? एक होता है नॉर्मल फंक्शन और एक क्या होता है? एक होता है कंस्ट्रक्टर। तो दोनों होते फंक्शन ही है, दोनों क्या है एंड ऑफ द डे, दे बोथ आर फंक्शंस, फंक्शन, बट द कंस्ट्रक्टर इज अ व्हाट? कंस्ट्रक्टर इज अ वीआईपी फंक्शन, वो थोड़ा सा वीआईपी है, उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है। तो कंस्ट्रक्टर को एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो मिलता है, तो पहला प्रिविलेज क्या मिलता है उसको, कि इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। तो जो क्लास का नाम होगा वही किसका नाम होगा? कंस्ट्रक्टर का। सेम टू सेम केसेस भी, तो अगर क्लास का नाम है स्टूडेंट तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? स्टूडेंट विद अ कैपिटल और स्मॉल एस, यस, और उसके आगे रहेंगे ब्रैकेट्स टू इंडिकेट कि वो एक मेथड है। तो इसका नेम कैन बी डिफरेंट, नेम विल बी डिफरेंट, इसको वो प्रिविलेज नहीं मिलता। यस क्या हुआ? यस मिस स्मॉल किधर? यस कहाँ पर स्मॉल है? क्लास नेम तो बड़ा ही होगा ना? हाँ बड़ा ही है। नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का नाम कुछ भी रहेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट डिस्प्ले जो भी रहेंगे। तो हमारे जो फंक्शन है ना, एक्सेप्ट स्टूडेंट, दीज आर आर नॉर्मल फंक्शंस, डिस्प्ले स्टूडेंट, ये हमारे नॉर्मल फंक्शंस। तो इनका नाम अलग रहेगा, इनका नाम क्लास के नाम जैसा सेम नहीं रहेगा। तो ये पहला प्रिविलेज, ये पहला प्रिविलेज है उसको। फिर और क्या मिलेंगे प्रिविलेज उसको? कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, क्या होता है ये कंस्ट्रक्टर, क्या होता है ऑटोमेटिकली कॉल, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कॉल्ड। दिस इज योर ऑटोमेटिकली कॉल्ड बोलेंगे ना, तो ये एकदम वो लगेगा लो लेवल ऑफ टेक्निकल ग्रामर। सो इफ यू वांट टू यूज सुपीरियर लेवल ऑफ टेक्निकल ग्रामर एज योला इन फाइनल ईयर, सो ट्राई टू यूज सुपीरियर लेवल ऑफ टेक्निकल वोकैबुलरी, यू शुड से इम्प्लिसिटली इनवोक्ड। ऑटोमेटिकली का मतलब implicitly, और called का मतलब invoke। So जो constructor होता है वो अपने आप call होता है, उसको call करने की जरूरत नहीं है। और इसको क्या करना पड़ता है? Explicitly call करना पड़ता है, have to be called explicitly। So if it's your birthday and your birthday party is there at home, your friends, what do you have to do to your friends? Hello, if it's someone's birthday party, what do the friends have to be invited or they will come on their own? Hello, जो क्लासमेट्स है उनको आप इनवाइट करोगे तभी तो आएंगे ना वो लोग, इनवाइट नहीं करोगे तो क्यों आएंगे वो लोग, है क्या नहीं? am I audible to everyone? yes, sir.
तो जो क्लास में अगर आपका बर्थडे पार्टी है तो आपके क्लासमेट्स को आपको इनवाइट करेंगे तो वो आएंगे क्या बगैर इनवाइट करे भी आ जाएंगे? नो सर, इनवाइट करना पड़ेगा। तो वो है नॉर्मल फंक्शंस। और आपका एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, मम्मी डैडी, उनको विल यू इनवाइट देम? विल यू गो इन टू द इंडिया बेडरूम इन द मॉर्निंग एंड टेल मम्मी मेरा आज बर्थडे, आप आओ, ऐसे बोलेंगे? यस ईशा, ईशा पारे, यू नो बेटर राइट? तो व्हाट हैपेंस टू द फैमिली मेंबर्स? डू यू हैव टू कॉल देम और दे कॉल देमसेल्फ ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिक। तो वो है कंस्ट्रक्टर, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को कॉल करता है। कब कब कॉल करता है? व्हेन इज द कंस्ट्रक्टर कॉल्ड? ब्यूटीफुल, व्हेन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो ये बात को मैं ब्लू में रेड में लिख रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। ओके, तीसरा, अगर एक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उसके आगे हम क्या लिखते? यस, इफ द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग व्हाट डू वी प्रीफिक्स? वॉइड। यस, सो प्रीफिक्स वॉइड इफ द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इफ द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या लिखने का उसके आगे? void। कंस्ट्रक्टर भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनीथिंग, कंस्ट्रक्टर नेवर, आई एम हाईलाइटिंग द नेवर, नेवर रिटर्न्स एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है वो। तो उसके आगे क्या होना चाहिए था? void, पर उसके आगे void भी नहीं रहता है, and does not even prefix void keyword। तो अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो इट शुड प्रीफिक्स void, नो, बट वो रिटर्न नहीं करने के बावजूद भी void नहीं लिखता है, ये उसका स्वैग है। और चौथा, इट कैन बी ओवरलोडेड, इट कैन बी, व्हाट इज ओवरलोडेड मीनिंग? बहुत ज्यादा लोड कर दिया। हैं? व्हाट नॉनसेंस, व्हाट यू आर सम ट्रक ड्राइवर और व्हाट, बहुत ज्यादा लोड कर दिया। व्हाट इज ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या क्या है? व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? अरे सी प्लस प्लस हुआ है ना तुम लोगों का, तो सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत डिटेल में किया था। यस, सेम नेम और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से हम लोग, तो कैन वी हैव टू कंस्ट्रक्टर्स इन द सेम क्लास? Yes, why can we have them? Because they can be overloaded. Yes, constructor overload. So can in the student class I have three constructors? Yes, sir. उनके नाम क्या होंगे तीनों के? Student. Yes. Arguments अलग अलग होंगे, तो constructor को overload कर सकते हैं। और constructor हमेशा public रहता है, क्या रहता है हमेशा? तो नॉर्मल फंक्शन कैन बी प्राइवेट, कैन बी पब्लिक। नॉर्मल फंक्शन जो है, नॉर्मल फंक्शन वो प्राइवेट भी लिख सकते हैं आपको लिखना है तो, और पब्लिक भी लिख सकते हैं। बट कंस्ट्रक्टर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, कंस्ट्रक्टर, तो नॉर्मल फंक्शन कैन बी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, बट कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज बी पब्लिक, ऑलवेज पब्लिक।
तो कौन मुझे बता सकता है ये पांच पांच प्रायर पांच प्रिविलेजेस जो कंस्ट्रक्टर एंजॉय करता है ओवर अदर फंक्शंस? हु कैन टेल मी? इस शानिया दे, शानिया, शानिया विद एस एच. यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस फाइव वीआईपी पॉइंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर ओवर नॉर्मल फंक्शन? हाँ सर. तो कैन यू रिपीट देम प्लीज? इट्स देयर ऑन द स्क्रीन, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. तो जो थोड़ा थोड़ा है वो पक्का हो जाएगा. Yeah, read. So that I can explain one point at a time. Okay, sir. First point, if name is as same as the class name. तो constructor का अगर तो अगर मेरी class का नाम है customer, if my class name is customer, what will be name of the constructor? Tell me. Student. हाँ? अरे जो joke याद आ गया सरदार जी वाला पान शॉप वाला. मैं भी टाइम नहीं मेरे पास सुनाने के लिए. वो क्लास का नाम क्लास का नाम कस्टमर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? हाँ कस्टमर कॉमन साइन. जो क्लास का नाम वही कंस्ट्रक्टर का नाम. ओके पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड में लिखा है मैंने उसको. Yeah, so if you are giving your Viva, how will you compose this sentence? If in the Viva they ask you, tell me a few things about constructor, so will you say automatically called or implicitly invoked? Implicitly invoked. Yes, and when is it implicitly invoked? Yes. Okay, हमने उसका काम तो बताया नहीं. काम क्या करता है वो कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का काम है टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. ये बात ध्यान रखो, बस सिंपल सा काम है उसका. उसका काम क्या है? इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. ये उसका सिंपल सा एक एक लाइन में काम है. व्हाट डज अ कंस्ट्रक्टर डू? यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न्स एनीथिंग. उसके आगे नीचे लिखा हुआ है एंड डज नॉट इवन प्रीफिक्स वॉइड सी. तो रूल क्या है कि अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करते हो तो आपको वॉइड लिखना चाहिए. तो कंस्ट्रक्टर को रिटर्न भी नहीं करता है और वॉइड भी नहीं लिखता है. फोर्थ पॉइंट क्या है? इट कैन बी ओवरलोडेड. दैट इज फंक्शन मींस यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन द सेम क्लास. और पांचवा क्या है? ऑलवेज पब्लिक. ऑलवेज पब्लिक. वेरी गुड. अब हम लोग जाते हैं थोड़ा प्रोग्रामिंग सेंस में. नाउ लेट्स गो इनटू सम प्रोग्रामिंग ऑफ लेट्स टेक अ स्मॉल कंस्ट्रक्टर एंड लेट्स ट्राई टू कोड इट. कहा गया वो? ओके सो मैं अभी एक क्लास बनाने वाला हूँ. क्लास मोबाइल. क्या बना रहा हूँ? क्लास का नाम क्या है? मोबाइल. ओके उसमें डेटा क्या क्या रहेगा? इंटीजर, मॉडल, मॉडल नंबर क्या रहेगा? ओके विल आई टेक मॉडल नंबर एज इंटीजर? व्हाट डू यू ऑल से? नहीं, कौन से मोबाइल का मॉडल नंबर इंटीजर में है? आईफोन का एक्स सीरीज है ना, तो एक्स आ गया उधर. वन प्लस का 7T है तो उधर भी टी आ जाता है. नो, विल टेक अ स्ट्रिंग, विल टेक अ स्ट्रिंग मॉडल नंबर. ओके उसके बाद फिर स्ट्रिंग मैन्युफैक्चरर नेम और फिर हम लिखेंगे फ्लोट. फ्लोट से अच्छा यूज डबल.
prefix use double instead of float and double price. और इंटीजर लिखेंगे year year, कौन से साल में वो लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च ईयर. Who has understood the four data members? Yes sir. कौन से बोलो? String model number, manufacturing date, price and launch date. Okay, never give a space between a variable name. Never do this. Never give a space. If you want to distance it by a underscore. Distance it by a underscore. So model number, manufacturer name, price and this is launch year. Okay. अब constructor and accept function, they both are your, what do you call them? They both complement each other. वो alternatives नहीं है, वो एक दूसरे को complement करते हैं. ऐसा नहीं कि if you are using constructor, don't use accept function. And if you're using accept function, don't use constructor. ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं. तो अभी इन द क्लास द वेरी फर्स्ट फंक्शन विच यू विल राइट विल बी द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास. सो मोबाइल, ये क्या हो गया भाई? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. वेरी गुड. आई एम मिसिंग आउट अ कीवर्ड ओवर हियर. I am missing out a keyword. Who can tell me which keyword am I missing out? Why? हाँ? कौन बोला public? Public कौन बोला? Public sir. Someone said I had a very masculine voice. A masculine voice told public. कौन बोला public? अरे बैल तू, मैं तू है कौन, मेरे को आवाज आ रही थी तेरी. देव, तो देव प्लस वन टू यू. आफ्टर द चैट जस्ट राइट प्लस वन ऑन द ग्रुप एंड सेंड. तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक. विल आई राइट वॉइड ओवर हियर बिकॉज द कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. लिखू क्या नहीं लिखू? नहीं. तो कभी भी कंस्ट्रक्टर के आगे वॉइड नहीं आएगा. ओके, मॉडल नंबर बाय डिफॉल्ट व्हाट डू यू विश टू कीप? आई विल कीप माय मोबाइल नंबर. ठीक है, मैन्युफैक्चरर नेम डिफॉल्ट क्या देने का? प्राइस. हाँ भाई, कोलन नहीं लगेगा मैं वन प्लस. ओ लगेगा, आई एम सॉरी, सेमी कोलन. यस नाइस, गुड वन. और रिलीज ईयर, लॉन्च ईयर उसका था 2019. ठीक है, तो ये हो गया डिफॉल्ट वैल्यूज. यस और नो? ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. बट अगर किसको पैरामीटराइज बनाना है तो व्हाट वी हैव टू पैरामीटराइज के लिए, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट. पहला आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है? स्ट्रिंग. तो वो स्ट्रिंग चला जाएगा वेरिएबल ए में. दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, वो भी बी में चला गया. तीसरा आर्ग्यूमेंट देख लो, लाइन नंबर 5, डबल राइट, डबल विद अ स्मॉल डी और कैपिटल डी? स्मॉल डी. यस, डबल सी. और चौथा क्या था? इंट डी, है ना. अब कौन किस, ए किस में जाएगा? ए किस में जाएगा? हाँ, मोबाइल नंबर. वेरी गुड. और बी? वेरी गुड. और सी? प्राइस. और डी? लॉन्च ईयर. वेरी गुड. तो हमेशा कंस्ट्रक्टर के जो एल, देखो कंस्ट्रक्ट ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू. देखो मैथमेटिक्स में सिंपल रूल था, मैथमेटिक्स में ये इक्वल टू है. तो ये LHS है और ये RHS है. यस और नो? ये इक्वल टू आ गया और ये LHS
और उसके राइट में RHS, मतलब क्या? LHS मतलब क्या? What does it stand for? Left hand side. और ये RHS बोले तो? Right hand side. Very good. और ये बीच में आ गया equal to, है ना? तो बोलो ये LHS में क्या रहता है क्लास का? क्लास के डेटा मेंबर्स LHS में रहेंगे, किसमें रहेंगे? LHS में क्या रहेगा कंस्ट्रक्टर के? क्लास के डेटा मेंबर। और RHS में क्या रहेगा? वैल्यूज, है कि नहीं? तो अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वैल्यूज हम डिफॉल्ट दे देंगे, और अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो हम वेरिएबल्स देंगे जिनके वैल्यूज जाके स्टोर होंगे डेटा मेंबर्स में। यस और नो? तो ये लाइन नंबर 19 पे बोलो डेटा मेंबर कौन सा है और कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल कौन सा है? जस्ट टेल मी विद LHS, गिव मी LHS एंड RHS डेफिनेशन। RHS इज द कंस्ट्रक्टर वेरिएबल, है ना भाई? तो LHS इज द डेटा मेंबर्स, RHS इज द कंस्ट्रक्टर वेरिएबल। अभी कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल मैंने अलग अलग कर दिया है A, B, C, D। तो टोटल आपको कितने वेरिएबल याद रखने पड़ रहे प्रोग्राम में? चार। तो डेटा मेंबर्स हो गए क्लास के और चार हो गए कंस्ट्रक्टर के, तो कितने हो गए? आठ हो गए ना। तो उसके वो क्या, उसके लिए क्या करते हैं? देखो दिस इज इजियर, ये जो है ना आठ याद करना इजी है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में एक एक तरीके का प्रोग्राम आएगा दैट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो सी आई एम जस्ट शोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और यहां पेस्ट कर रहा हूं। तो अगर मैंने जो क्लास के वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल अगर मैंने सेम नाम से ले लिए तो हु कैन रिलेट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो? जो डेटा मेंबर, जो क्लास के वेरिएबल है ना, वही नाम मैंने कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल को भी दे दिया। अब क्या होगा बोलो? इजीयर हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। हाँ, तो अभी आप कैसे लिखोगे आप? व्हाट विल रिप्लेस ए नाउ? मॉडल नंबर। देन व्हाट विल यू रिप्लेस बी विथ? And what will you replace C with? Price. And what will you replace D with? Launch year. है ना? तो अभी मैं अगर बोलू कि ईशा गो एंड कॉल ईशा, तो won't she be confused? अरे सर आप क्या बोल रहे हो? If I say ब्रह्मा गो एंड कॉल ब्रह्मा, तो यहां पर क्या हो रहा है? मॉडल नंबर इज गोइंग इन टू मॉडल नंबर। तो कौन सा मॉडल नंबर कौन से मॉडल नंबर में जा रहा है? तो ये LHS में क्या होता है हमेशा? LHS में, तो LHS में होते हैं क्लास के डेटा मेंबर्स, यस और नो? और RHS में क्या होता है? RHS में होते हैं कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स, है ना? पर अभी कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल और क्लास के डेटा मेंबर्स दोनों का नाम सेम है। Won't this lead to confusion to the compiler कि किसको किस में डालना है? Are you all getting what I'm trying to ask? यहाँ पर देखो सिंपल था, ये देखो सिंपल था कि यहाँ पर अलग अलग है कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल, अलग अलग है क्लास के, अलग अलग है। तो A is going into this B, so if I say ईशा go and call विद्या, तो समझ में आ रहा है। But now if I say ईशा Go and call Isha, तो अभी तो how will you differentiate कि इसमें क्लास के कौन से हैं और कंस्ट्रक्टर के कौन से हैं? हेलो, how will you differentiate कि इसमें क्लास के वेरिएबल्स कौन से हैं
और कंस्ट्रक्टर के कौन से, क्योंकि दोनों तो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो होगा मेंबर्स होगा, राइट हैंड साइड पे। यस, तो क्लास के डेटा मेंबर को हम दिस से डिफरेंशिएट करते हैं, कौन से कीवर्ड से? दिस। तो जहां दिस आएगा मतलब वो इस क्लास का है, और जहां दिस नहीं आएगा मतलब वो फंक्शन का है। समझ में आ रहा है ये दिस कीवर्ड क्या यूज करता है? Yes. तो अगर आपको ये कंफ्यूजन से बचना है तो अलग अलग वेरिएबल्स दे दो। एम आई अंडरस्टूड? तो ये हो गया। तो यू कैन यूज विच एवर कंस्ट्रक्टर यू लाइक। सो आई जस्ट टुक दिस एग्जाम्पल टू शो ऑल दिस। मैं कमेंट कर रहा हूं इसको, मैं यूज नहीं करने वाला इसको। ओके, अभी करेंगे हम वॉइड डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले भी तो एक फंक्शन है जो रिटर्न नहीं करता है, पर उसके आगे वॉइड आ गया क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर नहीं है और पब्लिक भी रहेगा। नाउ व्हाट विल इट डिस्प्ले टू यू? व्हाट विल इट डिस्प्ले? मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर नेम, प्राइस, एंड लॉन्च ईयर। ये डिस्प्ले कर देगा। खत्म खत्म। क्लास बन गई। अभी क्या बनाना है? उसका ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम बनाएंगे क्लास मोबाइल मेन, और क्या लिखेंगे इसके अंदर? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। तो अभी क्या हाउली में तो ऑब्जेक्ट था मोबाइल क्लास फर्स्ट। मोबाइल किसका? यस यस यस, गुड वन। मोबाइल n1 इज न्यू मोबाइल। अब ये मैंने जब बनाया तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किया क्या इसको मैंने बनाते वक्त? तो ये किसको कॉल करेगा? वेरी गुड। और अभी अगर दूसरा बनाना है हमको, ओके मोबाइल पहले क्या था? फर्स्ट चीज क्या था? मॉडल नंबर। तो क्या देने का मॉडल नंबर बोलो? S8 स्ट्रिंग है ना, सैमसंग वाला S8। अभी क्या चल रहा है मालूम नहीं मुझे तो। S8 मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर सैमसंग, फिर प्राइस लेट्स से 2-3 डिस और लॉन्च। ओके प्राइस शुड बी इन डबल, तो आई गिव अ डॉट जीरो एंड रिलीज ईयर लेट्स से 2017। अरे दिख रहा है तुम लोगों को क्या? नहीं, इसको भी डॉट, इसको लिखो तो डॉट जीरो लिख दो, मेक इट टू डबल। ठीक है, द कॉल मैट गेट डिस्कनेक्टेड, आई रिकनेक्ट ओके आफ्टर सम टाइम। तो विल कंप्लीट दिस एग्जांपल। नाउ इफ आई से m1 डॉट डिस्प्ले, व्हाट विल इट डिस्प्ले मी? एंड इफ आई से m डॉट डिस्प्ले, व्हाट विल इट डिस्प्ले? m1 में डिफॉल्ट वाला है। यस करेक्ट करेक्ट बोले आप लोगों ने। So, where were we? यहाँ पर, ठीक है ना भाई? तो M1 जो बना है, M1 ऑब्जेक्ट बना है, कौन से कंस्ट्रक्ट से बनेगा वो? डिफॉल्ट। तो जब M1 को डिस्प्ले किया जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? क्या थे डिफॉल्ट वैल्यूज? 70 और 100। वो सब ना, हाँ ठीक है। और फिर मैंने जब सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर जो डेटा जिस पैटर्न में ले रहा है, पैटर्न में पहला आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है? String. दूसरा आर्ग्यूमेंट String. तीसरा आर्ग्यूमेंट Double. और चौथा आर्ग्यूमेंट Integer.
तो ऐसे ही हमने पास करते वक्त वो ध्यान रखना है, पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, तीसरा आर्ग्यूमेंट डबल, चौथा आर्ग्यूमेंट इंटीजर। समझ में आया? तो अभी मैं इसको इसको सेव कैसे करूं? जो क्लास में मेन है उस क्लास में पब्लिक कर दिया, और जो क्लास पब्लिक है उससे उससे प्रोग्राम को सेव करता हूं। Do you also the command prompt? Now? No, sir. अभी भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट? दिख रहा है सर। तो जावा सी किया, कंपाइल हो गया। अब जब जावा करके रन करेंगे उसको तो आउटपुट देखो, पहले आ गया डिफॉल्ट वैल्यूज, फिर आ गए पैरामीटराइज्ड वैल्यू। यस और नो? यस सर। ओके, अभी अगर मुझे मुझे यूजर से वैल्यूज लेके कंस्ट्रक्टर को पास करना है तो कि एक्सेप्ट द मोबाइल मॉडल नंबर मैन्युफैक्चरर नेम प्राइस एंड रिलीज ईयर फ्रॉम द यूजर एंड पास इट टू द कस्टमर, देन व्हाट टू डू? एक्सेप्ट। तो हमको यहां पर करना पड़ेगा एक्सेप्ट, हम करेंगे मेन के अंदर, तो उसके लिए हमको चार वेरिएबल लगेंगे, चार वेरिएबल। तो जो हमने यहां लिखे ना कंस्ट्रक्टर के अंदर वही कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये अलग फंक्शन के हैं, इनको हम मेन में अलग फंक्शन में यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू दिस, डिक्लेयर अ वेरिएबल on the very first line, so string a comma b double c and integer d। या तो समझ में आया? हाँ सर। और फिर हमको accept करना है user से, तो क्या लगेगा हमको उसके लिए? Scanner plus। तो scanner sc is new scanner, but have we imported scanner? System not in. Have we imported scanner? तो उसको जाके ऊपर जाके import कर लो सबसे पहले कुछ सब में। Import. तो उसको import भी कर लिया। और ये चार variable हमने बना दिए main के अंदर। फिर हम क्या बोलेंगे user को? First thing first क्या बोलेंगे? Enter what? Enter model number. And what will he enter? Will you scan and put into which variable? Will put in the variable A. The next is kya lenge? Enter मैन्युफैक्चरर नेम, उसको किसमें डाल देंगे? बी में। फिर थर्ड थिंग क्या लेंगे? एंटर प्राइस। उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डबल ना, डबल नेक्स्ट विद एंड डबल का डी कैपिटल। और फोर्थ क्या बोलेंगे? एंटर लॉन्च ईयर ऑफ लॉन्च, हेलो। और वो क्या होगा? वो जाएगा डी में। और नेक्स्ट इंट। एबीसीडी हो गया। अभी अब हम जाके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मोबाइल M3 equals to new mobile, और उसको क्या पास कर देंगे? ABCD।
और फिर हम डिस्प्ले कर देंगे M3 डॉट डिस्प्ले। आया समझ में कैसे किया ये? अब इसको सेव किया, इसको रन करेंगे अभी। तो कंपाइल, डू यू ऑल सी द कंसोल? एंड नाउ व्हेन आई रन दिस आई विल आस्क, क्या है, क्या ब्रांड है भाई, नया फोन कौन सा है, एक्स कौन सा आ रहा है, X11 X11 मैन्युफैक्चरर एप्पल, प्राइस लेट्स से 99,999.0 एंड रिलीज ईयर 2020। तो इफ आई हिट एंटर आई विल सी ऑल द थ्री मोबाइल्स। दिख रहा है क्या तुमको, समझ में आया ये कैसे करते? तो ये ऐसा है, देखो, तो ये डिफॉल्ट है, ये यूजर से लिया, ये प्रोग्रामर ने दिया है, बट ये पैरामीटराइज है और ये यूजर से लेके पैरामीटराइज। तो पैरामीटराइज के दो फ्लेवर ले लिए, एक प्रोग्रामर पैरामीटराइज्ड और एक यूजर पैरामीटराइज्ड। समझ में आया? Okay. और दिस कीवर्ड समझ में आया? दिस कीवर्ड, देखो दिस कीवर्ड को मैं ऐसे, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये वाला कंस्ट्रक्टर कमेंट कर रहा हूं मैं और दिस वाला कंस्ट्रक्टर को ओपन कर रहा हूं, फिर भी प्रोग्राम विल रन द सेम, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब सेव किया, दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन, कंपाइल किया और रन किया। बोलो अभी नया कोई वीवो ओप्पो का कोई मॉडल है क्या? ले लो कोई भी R15, होंडा का 9899.0 और लॉन्च ईयर 2010। तो देखो आ रहा है आउटपुट वैसा ही आ रहा है जैसा ABCD से आ रहा था। तो आपके ऊपर है, आपको दिस कीवर्ड यूज करना है क्या नहीं करना है, इट्स अप टू योर डिस्क्रिप्शन, बट द प्रोफेशनल दे यूज दिस कीवर्ड अ लॉट। एम आई क्लियर विद द कंस्ट्रक्टर्स गाइस? अंडरस्टूड हेड टू टो ऑफ कंस्ट्रक्टर? Yes, sir. I'll mail this, then you all practice, okay? Yes, chalo then. Take care then. Bye. Bye. Kisi ko doubt hai? Kisi ko kuch puchna hai? Haan, sir, mujhe puchna hai. Yes, tell me. So, boy, jisse humne class mein likha nahi, to abhi... Likha na class mein? Kahan nahi likha humne? Likha na? Sir, baad mein likha, to phir agar miss kiya, to hum scope resolution use karke likhte hain. Scope resolution C++ mein tha, isme nahi hai. इसमें SRO नहीं है, चार बिंदी वाला ऑपरेटर नहीं है इसके अंदर। तो हमने क्लास के अंदर ही लिखना है फंक्शन को और उसको फिर इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना है। तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा और डिस्प्ले, बस दो ही फंक्शन लिखे। और देखो इसको कॉल करने के लिए उसको कॉल करना पड़ रहा है क्या? डिस्प्ले को देखो कॉल करना पड़ रहा है, तो डिस्प्ले को इनवाइट करना पड़ रहा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, और कंस्ट्रक्टर जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है अपने आप कॉल हो रहा है। दिख रहा है? हाँ सर। ओके, और न्यू कीवर्ड है ना, न्यू कीवर्ड के बाद में जो है ना वो कंस्ट्रक्टर है, क्या है? तो न्यू कीवर्ड के बाद ये क्या है? ब्लैंक कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज विद यूजर्स विद प्रोग्रामर्स वैल्यू और ये पैरामीटराइज विद यूजर्स वैल्यू। ये पैरामीटराइज विद प्रोग्रामर्स वैल्यू, ये पैरामीटराइज विद यूजर्स वैल्यू। तो न्यू कीवर्ड के बाद है ना वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ये फाइल मेल करता हूँ, तो लोग प्रैक्टिस करना फिर। ओके सर। चलो बाय। बाय। और किसी को कुछ डाउट है? आई प्रैक्टिस करो और फिर मुझे व्हाट्सएप करो। यस सर। टेक केयर, बाय। बाय।